सेव अकाउंट्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने पहले क्या डिस्कस किया था, हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरह से धन के व्यवहार क्या होते हैं, वाउचर किसे कहते हैं, आर्थिक व्यवहार क्या होता है, नकद व्यवहार किसे कहते हैं, और धन के व्यवहारों का वर्गीकरण सबके बारे में हमने पढ़ा था, और नकद व्यवहार और उधार व्यवहार किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। अभी इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट है व्यवहार की बुरी असर, डूइंग इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी व्यवहार करते हैं उसकी मुख्य रूप से दो असर, उधार एक जमा, ठीक है, वो भी किस तरह से असर करती है, तीन तरह से करती है। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति या धन से लाभ ले या कोई व्यक्ति लाभ ले, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को लाभ मिले या लाभ दे, जैसे कि 10,000 विक्रम को दिए, आपसे विक्रम को लाभ मिला, हमने लाभ दिया, जैसे सुरेश से 10,000 मिले, हमको लाभ मिला, सुरेश ने लाभ दिया, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति का इसमें हमको नाम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि इसमें कौन से व्यवहार होते हैं, मेनली कोई भी व्यक्ति या संस्था के साथ डिपेंड होता है, वह व्यक्ति प्राकृतिक भी हो सकता है और वह कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक व्यक्ति किसे कहते हैं, जिसका व्यक्ति का जन्म हुआ, जैसे कि मेरा नाम अशोक है, मैं एक प्राकृतिक व्यक्ति हूँ, जगदीश है, जगदीश है क्या प्राकृतिक व्यक्ति है, बट आदर्श महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय को ऐसा कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति के रूप में गिना जाता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा यह भी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इस तरह से उसका व्यक्ति के रूप में उसको मानकर उसके सभी व्यवहार किए जाते हैं। सेकंड है, धंधे में संपत्ति बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, कोई भी व्यवहार होता है तो व्यवहार में हमको बिजनेस के संपत्ति अकॉर्डिंग जो भी व्यवहार होता है बढ़ेगी या कम होगी, जैसे कि हमने संपत्ति खरीदी और इससे रिलेटेड माल रियल अकाउंट में माल संपत्ति खाते के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग खरीदी, कंप्यूटर खरीदा और व्हीकल खरीदा, क्या संपत्ति बढ़ेगी, ठीक है, तो इसमें संपत्ति बढ़ती है या घटेगी, हम उसको सेल करें, कंप्यूटर बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, व्हीकल बेच दिया, पैटर्न बेच दी, अदृश्य अदृश्य संपत्ति का भी समावेश होता है। और माल के अकॉर्डिंग जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हमारा बिजनेस स्टेशनरी का है, स्टेशनरी लेके आ रहे हैं, परचेज हो रहा है, तो स्टॉक बढ़ेगा, उसी तरह से स्टेशनरी वगैरह बेचेंगे तो स्टॉक वगैरह कम होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेशन धंधे में खर्च या उपज, अकॉर्डिंग टू हमारा नॉमिनल अमाउंट उपज खर्च खाते के अनुसार, धंधे में हमको धंधे चलाने के लिए कई सारे हमको खर्चे करने पड़ते हैं, वेजेस पे करनी पड़ती है, सैलरी पे करनी पड़ती है, इंश्योरेंस वगैरह और बीमा वगैरह कराने पड़ते हैं, और तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, फोन के बिल पे करने पड़ते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है, इस तरह से असंख्य हमको धंधे के अंदर क्या होते हैं खर्चे, उसी तरह से कई सारी उपज भी होती है, जैसे कि हमको इंटरेस्ट मिला, बैंक में मेरा पैसे जमा किए थे उसका इंटरेस्ट मिला, इसके बाद हमको डिविडेंड मिला, रेंट रिसीव हुआ, सेल किया, विक्रय किया, तो भी हमारी इनकम ही घटी जाती है, यह किसके अंतर्गत आती है, उपज खर्च खाते के अकॉर्डिंग आती है, और इसका आगे डिस्कशन हमको होगा, मेनली कौन कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमको पेज नंबर 30 पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, इनमें क्या दिया है, निम्न के व्यवहार पर से कौन सी असर, कौन सी दो असर प्रभाव होती है, कौन से दो असर प्रभाव करते हैं, व्यवहार दिया है प्रश्न में, हमको पहचानना दो असर कौन कौन सी हो रही है, कुछ थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट में मनोज ने 20,000 रुपए कमाकर धंधा प्रारंभ किया, तो तीन कॉलम बना लेंगे, क्रम डाल लेंगे व्यवहार और प्रथम असर और दूसरी असर, पेज नंबर 30 पर लिखेंगे, कौन सा नंबर पेज पे दिया, पेज नंबर 30 पर हमको व्यवहार दिए हैं, हमको पहचानना है कौन से खाते की कौन सी असर हो रही है, ठीक है, जैसे कि 20,000 रोकड़ में नकद धंधा शुरू किया, धंधे की रोकड़ लाएंगे तो क्या होगा, नकद आ रही, फर्स्ट असर कौन सी होगी, नकद आ रही, दूसरा उसका असर कहाँ होगी, पूंजी पर,
देगा जब बंदे या मालिक कुछ भी लेके आता उसे पूंजी कहते हैं। फर्स्ट असर कैश का, सेकंड पूंजी, ठीक है। इसके बाद है मनोज ने रुपए 40,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुलवाया। वैसे बैंक में भरे तो क्या होगा, बैंक में भरे 40,000 भरे उससे क्या क्या असर होगी, बैंक का प्रदूषण नकद जाएगी तो बैंक ले रही है, ठीक है। फर्स्ट असर कहा जाएगी, बैंक ले रही, बैंक प्रथम असर बैंक, उसी जैसा कहा जाएगी कैश, कैश कम हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से तीसरा व्यवहार, तीसरे व्यवहार में क्या है, मनोज ने 3,000 का माल भारतीय बहन के पास से खरीदा। फर्स्ट वर्ड हमारे दिमाग में आएगा मगज यानी मस्तिष्क में आएगा क्या, कि खरीदा क्या होगा, प्रथम असर से क्या होगा खरीद, दूसरा उधार पर खरीदा भारतीय बहन, दो असर परचेस पे होगा, दूसरा भारतीय बहन। इसी तरह से चौथा व्यवहार, मनोज ने 5,000 का माल विपुल को बेचा, उनको बेचा मनोज ने, ठीक है। तो उसकी एंट्री किसकी होगी, सेल की एंट्री, और फर्स्ट का इफेक्ट कहाँ जाएगा, अरे नकद से बेचा है तो एक नकद हो रहा है, मैंने क्या बताया नकद व्यवहार में क्या होता है, नकद का उल्लेख हो जाता है, इसमें भी कैश का इसमें ट्रांजेक्शन हो, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा में कैश आएगी, फर्स्ट इफेक्ट नकद का 5,000, और दूसरा सेल दे में माल कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 1,500 का फर्नीचर मनोज से खरीदा, मनोज से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारी क्या है, संपत्ति है, एक एसेट से क्या होगा, फर्स्ट है फर्नीचर का फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाते की असर होगी, दूसरा रोकड़ खाते, रोकड़ कैश जाएगी, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर, 200 कमीशन के चुका चुका तो एक हमारा खर्चा हो गया, खर्च वगैरह क्या होते हैं समझते हैं सभी उतार होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट असर क्या होगा, कमीशन का, दूसरा होगा नकद जाएगी, नकद कितना 200 रुपये। उसी तरह से 8वां है, विपुल ने 200 का माल वापस किया, माल उसने वापस किया, माल वापस कब करेगा, वो उसको बेचेंगे, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट फिर जाएगा सेल्स रिटर्न 200 रुपया टू विपुल खाते, ठीक है। इसके बाद 150, मनोज ने 150 का माल भारतीय बैंक को वापस किया, उसने उसने खरीदा हुआ था, उसको वापस करेगा, क्या करेंगे, भारतीय बैंक अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा, भारतीय बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है। उस तरह से हमको इफेक्ट सोचने के डबल इंट्री सिस्टम में क्या होता है, कम से कम 2 रुपये दो से ज़्यादा उसके, ठीक है। अब आया सकते हैं, अब इसके बाद खाते के प्रकार, खातों का खाते के प्रकार, खातों को दो से मुख्य रूप से 6 नंबर टॉपिक है, वर्गीकरण, व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति या किसी संस्था के साथ नाम का उल्लेख हो, चाहे वह व्यक्ति प्राकृतिक हो चाहे वह व्यक्ति, मैंने जैसे बताया प्राकृतिक व्यक्ति किसे कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है, जो जीवित है, जो सांस ले रहा है, इस तरह से किरण, दिनेश, अशोक, सुरेश, रमेश, यह क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, बट ये सब सॉरी कौन से व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति जो जो सांस ले रहे जीव, लिविंग पर्सन। उसी तरह से नॉन लिविंग में जो सांस नहीं लेते, जैसे मैत्री मंडल में आदर्श महाविद्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑपरेटिव बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक, अलग अलग जो संस्था जो होती है चैरिटी के लिए बनी जाती है, उनका सबका उल्लेख किसमें होता है, व्यक्तिगत खाते में होता है, ठीक है। इसके जो नियम आएंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अव्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट है माल संपत्ति खाता, माल संपत्ति खाते में अंतर्गत दो प्रकार, गुड्स के रिलेटेड माल, दूसरा है एसेट्स के रिलेटेड माल, में क्या है में जो जो भी खरीद विक्रय के संबंधित व्यवहार होते हैं उसका उल्लेख होता है, संपत्ति खाते में वो भी धंधे की जो संपत्तियां हैं, एसेट्स है, लायबिलिटी वगैरह का समावेश होता है। जैसे कि मैंने बताया था माल जो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, जो अनाज का धंधा कर रहा है उसके लिए अनाज गुड्स है, ठीक है। पर मैं उसे स्टेशनरी खरीदता हूँ,
स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए संपत्ति। और संपत्ति का तेरे क्या होता है? हमने लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल, पेटेंट, गुडविल सभी का इसके अंदर समावेश होता है। उसके बाद उपज, खर्च का उपज और खर्च, इसमें भी दो बातों का उल्लेख किया गया, उपज का दूसरा खर्च का, इनकम का है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इनकम के अंदर धंधे के अंदर जो जो इनकम होती है वहां कहां से इनकम होती है? फर्स्ट सेल, जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं उसका सेल कर, दूसरा कमीशन वगैरह मिले, रेंट मिले, डिविडेंड मिले, उसका इसमें समावेश होता है। ठीक है, और खर्च धंधे में कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि वेजिस का, सैलरी पे की, स्टेशनरी परचेस की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, इस तरह के जो खर्चे होते हैं उन सभी का समावेश उपज खर्च खाते में होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया? व्यवहारों की दोहरी असर और खाते के प्रकार। व्यवहारों के खाते इनडायरेक्टली तीन ही प्रकार है, व्यक्तिगत खाता, वाणिज्यिक खाता और उपज खाता। इन खातों की असर के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे किस खाते पर कौन सी असर कर रही है और खाते के प्रकार। पर्सनल अकाउंट है नॉन पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मैंने बताया दो व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, कृत्रिम और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक जो शास्त्र लिविंग पर्सन है, कृत्रिम में नॉन लिविंग पर्सन। सेकंड अव्यक्तिगत खाते को दो तरह से डिवाइड किया गया है, वाणिज्यिक खाता और उपज खर्च खाता। आई होप सो आपको यह टॉपिक यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक इसके जो आगे है इसके जो एग्जाम्पल वगैरह है कल मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तभी जब आपको मालूम होगा कौन सा खाता किस में आता है। जैसे कि मजूरी है किस खाते में आती है? नॉमिनल अकाउंट में। मैं आपको कल अच्छी तरह से डिस्कस करके बताऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।